व्हाट्सअप गाइस, क्या कर रहे हो यार आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे कॉर न्यू वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पबजी पीसी लाइट के लगभग दो एरर्स कैसे फिक्स करते हैं। तो उन दो एरर्स का नाम है ग्लोबल सेटर कैश मिसिंग इन पबजी पीसी लाइट और डायरेक्ट एक्स लेवल 10.1 रिक्वायर्ड टू रन द गेम, तो सॉरी 10.0। तो दोस्तों मतलब ये दो एरर्स ऐसे हैं जो मतलब हर एक पीसी में आते हैं जब अपने हम गेम स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारे एरर्स जो आते हैं लेकिन मैं वो ज़्यादा मेन नहीं है और मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस जो स्टेप मैं बता रहा हूँ इसको करने के लिए आपको एक ऐप चाहिए होगी जिसका नाम है DXCPL। तो ये रही मेरे डेस्कटॉप पे, आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरा माउस है। इसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल होगा एप्लीकेशन कंट्रोल डीबग लेयर में यहाँ पर होगा डिफॉल्ट। तो आपको इसको फोर्स ऑन पर कर देना है। और ये जो ऊपर लिस्ट दिख रही है आपको स्कोप वगैरह ना, इसको आपको यहाँ पर एडिट लिस्ट पर जाना है। ये जो है मतलब मैंने पहले डाली थी, इसको मैं रिमूव करके आपको वापस ऐड करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपकी विंडो खुलेगी, आपको जाना है विंडो 7 है, मतलब जहाँ पर भी आपका गेम इंस्टॉल्ड है। तो मैं जाऊँ, मेरा गेम यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो मैं आप ये रहा मेरा गेम। इसके बाद उस फोल्डर में आने के बाद आपको जाना है क्लाइंट में, क्लाइंट में आने के बाद आपको जाना है शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा में, फिर बाइनरीज में, फिर Win64 में, फिर ये जो ऐप दिख रही है आपको पबजी लाइट Win64 शिपिंग, इसको आपको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है और फिर आपको ओके दबा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है डिवाइस सेटिंग पर नीचे, और इसको फीचर लिमिट डिफॉल्ट सेट होगी नन, इसको आपको करना है 11 और ये _1, ठीक है। और फोर्स रैप ऑप्शन भी यहाँ पर डिसेबल होगा, इसको आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद ये हो गया हमारा पहला एरर फिक्स। दूसरा एरर में क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर एक डायरेक्ट एक्स 11 की ड्राइवर है, उसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, आपका एरर अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो अगर आपका एरर अभी भी फिक्स नहीं होता है ये, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डायरेक्ट एक्स 11 पे इंस्टॉल करने की एक वीडियो बना दूंगा। मतलब सिंपल है यार, क्या मतलब बनानी है वीडियो, पर अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए स्पेशली बना दूंगा। प्लीज़ मतलब कोई भी आपको टॉपिक बनवाना हो मेरे से कि मतलब इस चैनल पर वीडियो बना दे भाई, तो मेरे को बोल देना प्लीज़, कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपके लिए फटाफट से बना दूंगा वो वीडियो अगले दिन ही, और कोशिश तो ये करूंगा। यार पिछली वीडियो में प्रॉब्लम दे रहा था, सॉरी यार, एक सेकेंड बस। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, मतलब ये वीडियो बना दूंगा मैं, तो आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपका एरर फिक्स हो जाएगा। अभी भी आपका एरर फिक्स नहीं होता है तो आप विंडोज 7 पे स्विच सर्विस पैक 1 पे स्विच कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए विंडोज 7 अल्टीमेट सर्विस पैक 1 है जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा ये देखिए 2GB रैम है, इंटेल कोर i3-2370M CPU 2.4GHz का। तो मतलब दोस्तों आपका अगर एरर अभी भी फिक्स नहीं होता है तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा एक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।